देखिए, सूत्रों के हवाले से हमें अभी एक खबर मिल रही है कि गृह मंत्रालय ने अभी सीआरपीएफ के डीजी से बात की है। गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने खुद सीआरपीएफ के डीजी से बात की है और गृह मंत्री ने इस पूरे मामले को लेकर एक बड़ी बैठक दिल्ली में बुलाई है। तो कुल मिलाकर देखिए, अगर हम दूसरे परिप्रेक्ष्य में इसको देखें तो 8 फरवरी को खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि सड़क पर इस तरीके की वारदात जैसे मोहम्मद के आतंकवादी कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कहा जा सकता है कि चूक भी हुई है और कहीं ना कहीं ये भी कहा जा सकता है कि एक बड़ी वारदात को अंजाम आतंकवादी दे सकते थे, क्योंकि 2500 जवान 12 गाड़ियों के बीच में तैनात जा रहे थे। और उसके अलावा आपको हम बता दें कि जो आतंकवादियों ने सिर्फ ब्लास्ट वहां पे नहीं किया बल्कि वहां पे गोलीबारी भी करी है। तो कुल मिलाकर 8 जवानों के शहीद होने की खबर इस वक्त हमारे पास आ रही है और 8 ही जवान बताया जा रहा है कि वो अभी घायल हुए हैं। जी मोहित, जिस तरीके से 8 फरवरी की खुफिया एजेंसियों के अलर्ट का जिक्र आप कर रहे हैं, क्या इसके बारे में कोई जानकारी कि एरिया को सेंसिटाइज किया गया था पहले जवानों का काफिला वहां से मूव हो? देखिए, अफजल गुरु की बरसी 8 फरवरी को मनाई जा रही थी और उसी दिन आपको बता दें कि खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी किया था कि उसके बाद एक हफ्ते के भीतर ऐसी घटना हो सकती है। हमारे सुरक्षा बलों ने इसको लेकर नाकेबंदी भी की थी, लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि वहां पर घंटों से एक 4-पहिया वाहन मौजूद था जहां से सीआरपीएफ का काफिला निकलना था। आखिर उस गाड़ी की चेकिंग क्यों नहीं की गई, आखिर क्यों नहीं देखा गया कि वहां पर गाड़ी क्यों खड़ी है और किस वजह से खड़ी है? जैसे ही काफिला वहां से गुजरा उसमें ब्लास्ट होता है और 8 जवान मौके पे ही शहीद हो जाते हैं। बताया जा रहा है कि जो 8 जवान अक्षय हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। कुल मिलाकर जो हमारे केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं वो अलर्ट पे हैं और अभी जम्मू कश्मीर में अलर्ट जारी किया गया है।